नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं विव इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। बगहा नगर परिषद के चुनाव में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह के निकाले गए रोड शो पर भारी पड़ा जय श्री राम का नारा। बगहा नगर परिषद का चुनाव परिणाम मंगलवार को जिला प्रशासन ने घोषित कर दिया है। मुख्य चुनाव पार्षद के 10 प्रत्याशी में पुष्पा गुप्ता 21,538 मत प्राप्त करके विजेता बन गई हैं। निवर्तमान मुख्य पार्षद सभापति जरीना खातून को 16,538 मत प्राप्त हुआ, जो दूसरे नंबर पर है। वही विधान पार्षद प्रत्याशी भीषम सहनी के पुत्र वधु रिंकी देवी को 4,149 मत प्राप्त हुआ, ये तीसरे नंबर पर है। जानकारी हो कि निवर्तमान मुख्य पार्षद जरीना खातून के कार्यकाल में नगर परिषद में विकास का काम हुआ था। अपनी शालीनता, अच्छे कार्यकाल पर वोट लेने और मुख्य पार्षद के चुनाव जीतने के लिए उनकी दावेदारी थी। वही पुष्पा गुप्ता के पति अमित गुप्ता उर्फ पप्पू गुप्ता 3 बार वार्ड पार्षद रह चुके हैं। उनकी किसान छवि और मिलनसार व्यक्तित्व होने की छवि से पुष्पा गुप्ता चुनाव जीतने की प्रबल दावेदारी थी। वही रिंकी देवी को चुनाव जीतने की दावेदारी विधान पार्षद भीषम सहनी के किए गए कार्यों पर था। कुल मिलाकर तीनों प्रत्याशियों ने बगहा नगर परिषद का चुनाव मतदाताओं के लिए रोचक बना दिया था। चुनाव के 3-4 दिन पहले से नगरवासियों को लग रहा था कि निवर्तमान सभापति जरीना खातून और उनका पति अधिवक्ता फिरोज आलम चुनाव जीत जाएंगे। इन लोगों ने चुनाव में अपने पक्ष में मतदान की हवा को तूफान में बदलने के लिए भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह को बुलाकर रोड शो निकाला। रोड शो में युवाओं की भीड़ उमड़ी भी, ऐसा लगा कि मतदान का तूफान आने वाला है। मतदान का तूफान आया, किंतु पुष्पा गुप्ता के रोड शो में जय श्री राम का नारा और हनुमान की निकली हुई झांकी ने मतदान के तूफान को अपने पक्ष में कर लिया। नतीजा यह हुआ कि मुख्य पार्षद के जीत तक पहुंचते पहुंचते जरीना खातून चुनाव हार गई और पुष्पा गुप्ता चुनाव जीत गई। लोगों के बीच चर्चा है कि अक्षरा सिंह के रोड शो पर जय श्री राम का नारा भारी पड़ा। बगहा से ब्यूरो रिपोर्ट, शशिकांत गिरी की खास रिपोर्ट। हमको पूछे जगह वोट देके जीता है, 18 साल उम्र हुआ, पहली बार वोट दिया तो पूछे सको। अभी बोली और यहाँ का मान सम्मान जो आगे, मान सम्मान हिंदुत्व के आगे, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे बगहा के सारी जनता का जीत है, हमारे पप्पू गुप्ता की जीत नहीं, पुष्पा गुप्ता की, पूरे बगहा की जनता की जीत है। जय श्री राम। लोगों में देखिए उत्साह है, कितना बड़ा रैली है इनका, कितना बड़ा रोड शो है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप जनता जबरदस्त। क्या कहेंगे पूर्ण बहुमत से? आप देखिए जनता में कितना उत्साह है, आप देखते हैं, बिल्कुल आप देखिए जबरदस्त जनते जनता में उत्साह है, आप देखते हैं, बिल्कुल जनता में उत्साह है, पप्पू गुप्ता पूर्ण बहुमत से जीते हैं बगहा में। पप्पू गुप्ता बाबा बोलिए, कैलाश हो बाबा जी, बोलिए कैलाश हो बाबा जी, बोलिए पप्पू बाबू के। जनता को धन्यवाद दीजिए, सारे बगहावासियों को धन्यवाद, जो ये समर्थन दिया, जो हमें सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खुद आकर घर घर में मिलूंगा, सबको धन्यवाद दिया आपने के शामिल। आज मेरे नगर परिषद के लोग, बगहा नगर परिषद के लोगों ने आज जो सहयोग किया है राम राज्य को, उसके लिए मैं सदैव जनता को आभारी मानता हूँ। बोले चला को बाबा के, उत्साह जनता में उत्साह है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप देखिए कितना उत्साह है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल जबरदस्त रोड शो, जबरदस्त आप देख रहे हैं पूरे।
पप्पू गुप्ता पूर्ण बहुमत से बगहा में, पूर्ण बहुमत से पप्पू गुप्ता बगहा में जीते हैं। आप देख सकते हैं पूरे लोगों में जो सर उमंग है, क्या कहना चाहिए जी? आज बहुत खुशी की बात है कि पप्पू भैया ने आज हिंदुत्व की जीत है और हिंदुत्व की जीत हुई है। आज नगर हमारा अयोध्या नगरी में तब्दील हो गया है। क्या कहना चाहेंगे? हिंदुत्व की जीत है, सनातन की जीत है और मंगलवार का शुभ दिन है हनुमान जी की। आज हमारे इस पूरे नगर परिषद में हमको